शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हर्षन फिल्म मुझे मिल गई है। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? I'm sorry, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे करना ही होगा। क्या करें अब? और क्या करूं आशी? कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जानती हूँ तू मुझे जज कर रही होगी, लेकिन तू भी एक बार जान ले, नकुल ना कभी नहीं आएगा मेरे सामने, कभी नहीं। और मेरी वजह से तुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मुझे नहीं जीना, ना इस बच्चे को जीना लगता है। मुझे नहीं जीना। शांत हो जाओ। क्या बातें कर रहे हो? शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ 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 नहीं होगा। अब बैठो यहाँ पे, बैठो। ठीक, सबसे पहली बात, हम आपको कभी जज नहीं करेंगे। एक बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का होता है। हम कौन होते हैं आपके बीच में बोलने वाले? हम बस इतना कहेंगे कि ऐसा कुछ भी करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार इस बच्चे के बारे में सोचिए। जो भी गलती आपने की, जो भी गलत हो रहा है, उसमें क्या इसकी गलती है? हमारी तरफ देखो, ये बच्चे एक जान है, कोई सामान नहीं है। कि पसंद नहीं आया तो वापस कराए, बाकी आपकी जिंदगी है, आखिरी फैसला आपका होगा। सिर्फ एक बार इसकी सुनो। पता है आशी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो माँ बनने का एहसास है ना, ये मैं कभी महसूस कर पाऊंगी। पहले ऐसे लगता था जैसे मैं अधूरी हूँ, लेकिन जब से ये बच्चा, ये जिंदगी मेरे अंदर आई है, ऐसे लगता है जैसे मैं पूरी हो गई। जी करता है इस बच्चे को पूरी दुनिया से बचा कर रखूं, और मैं रखूंगी। और इस फैसले में हम आपका पूरा साथ देंगे दी। बस एक बार नकुल से बात हो जाए। पर कैसे? वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। वो आएगा। वेरी गुड गाइस, कीप गोइंग, अमेजिंग। अब मैं ये वीडियो मॉम को भेजती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग कब से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं? थक गए होंगे ना? एनर्जी बूस्टर तो चाहिए। ये लीजिए, ठंडा ठंडा नींबू पानी। वैसे आप लोग कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं? वो आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, उस पे कर रहे हैं ना? ओ, पर उस गाने पे कैसे डांस करेंगे, क्योंकि लड़की का भाई नकुल वो तो आ नहीं रहा ना। क्या नकुल नहीं आ रहा? कैसे आएगा, सिद्ध के साथ उसका पंगा है ना। मतलब सिद्ध के लिए गीत ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ दिया। नकुल प्लीज, लोग ताने मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तुम्हें मेरी सगाई में आना ही होगा। मैं नहीं आऊंगा गीत, मुझे उस सिद्ध का चेहरा नहीं देखना। तुम अपनी शादी एंजॉय करो, विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं आएगा ना नकुल? नींबू पानी। तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा है मेरा भाई, ऑल बिकॉज ऑफ यू। मौका अच्छा है, सिर नहा रहे हैं, हम उसके फोन से नकुल को मैसेज कर देते हैं। हाय नकुल, देखो पहले जो कुछ हुआ भूल जाओ यार, शाद गई बात गई, तुम इतना क्या दिल पे लेके बैठ गए? कम ऑन, तुम्हारी बहन की शादी है, नए रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं ना यार,
प्लीज तुम इस शादी में आओ, मुझसे मिलो। मेरे पास तुम्हारे लिए बिजनेस का एक अच्छा ऑफर है, 40 लाख इन्वेस्ट करने हैं, वो मैं कर दूंगा। अब रिश्ता जोड़ा है तो निभाऊंगा, बाकी बातें मिलके। तुम आ जाना, वेट करूंगा। नकुल को मैसेज तो कर दिया, डिलीट फॉर मी कर देते हैं। हेलो, ये मेरा रूम है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ, जैसे चाहे घूम सकता हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे कोई किसी के रूम में आता है क्या? मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? श्याम जी, अब क्या करें, क्या जवाब दें? हमने तो सिट के फोन से वो मैसेज भी डिलीट नहीं किया, सामने है, कैसे करें? आशी, मैंने कुछ पूछा। हम तुम्हें नीचे बुलाने आए थे, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहते हैं झुक झुक के रहते हैं, दिल का मिजाज इश्किया, दिल का मिजाज इश्किया। हम तुम्हें बस बुलाने आए थे। वो गिर रही थी तो मैंने पकड़ लिया बस। अब वापस नहीं आशी, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम क्या चीज हो यार, जब देखो तब मेरे सिट के आसपास ही क्यों भटकती रहती हो? कोक में बच्चा किसी और का, पत्ती किसी और की, और प्यार किसी और से। अब तो पीछा छोड़ दो मेरे सिट का, जैसे ही मौका मिलता है ग्लू की तरह मेरे सिर से चिपक जाती है। लेकिन अब मेरे सिर के इतने करीब आई हो तो सजा तो मिलेगी। हाय सिड। हाय सिड, चलो ना डांस करते हैं। नहीं गीत, आशी गर्ल्स, इन मैडम को कॉन्ग्रेचुलेट करो, ये प्रेग्नेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन फूटी किस्मत तो देखो, कीने इनके बच्चे के बाप का नाम तक नहीं पता। रियली तो कम ऑन आशी, इस बच्चे के बाप का नाम बताने में इतनी शर्म क्यों? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आजकल सिट के आसपास इसीलिए मंडरा रही हो ताकि वो तुम पे तरस खा के इस बच्चे को अपना नाम दे दे, या फिर तुम्हारे पास फिर से आके तुम्हें अपना ले? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिट की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिट के लिए डर रही हो, कि कहीं तुम्हारा होने वाला पति हमारे लिए तुम्हें छोड़ दे फिर से?
रुकूंगी। तुम्हारे पास तो सिर्फ दो ही रास्ते, या तो तुम सिट को खोने का खौफ लेके जियो, या सिट के साथ जिंदगी जियो। तुम्हारा सिट तुम्हें मुबारक हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। केत, शैल वी डांस? श्योर जान, लेट्स डांस। कम ऑन गर्ल्स। दीदी, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और गीत तो पहले कितनी अच्छी थी, और अब देखो कितनी बदल गई है। कोई कभी बदलता नहीं है निधि, वक्त आने पर ना सब अपना असली रंग दिखाई देते। यही है गीत का असली रंग। और आप, मैं मतलब तुझे मैं बुरे इंसान लगती हूँ? नहीं दीदी, बात अच्छे बुरे की नहीं है, पर आप पहले आशी से तो इतनी नफरत करती थी, और अब अचानक से उससे इतना अच्छा बर्ताव। कैसे? गलत करती थी, शायद अब समझ आ गया। और नफरत भी नहीं, शायद सिर्फ जेलसी थी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मैं ही स्टूपिड हूँ, कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी इंसान दिल से भी तो खूबसूरत हो सकता है। आशी, तेरी आंखों के सामने तेरा प्यार किसी और का हो रहा है, पर तू खामोश है। दिल में इतना दर्द लेकर कैसे जी रही है?